इंडस्ट्री में देखा जाए तो एक्ट्रेस तनुजा के बारे में सब कहते हैं कि उन्होंने अपने ज़िंदगी में ना सिर्फ फिल्मों को बहुत बड़ा योगदान दिया, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले अपनी पहचान फिल्म इंडस्ट्री में बनाने से पहले एजुकेशन में भी बड़ी महारत हासिल कर रही थी। आज से देखा जाए तो लगभग 70 साल पहले तनुजा ने, जब बॉलीवुड में कदम भी नहीं रखा था, जब वो स्विट्जरलैंड में रहा करती थी, वो दौर जब आज़ादी का समय था भारत देश में, तब उनकी मॉम ने उन्हें स्विट्जरलैंड भेजा और एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए। स्विट्जरलैंड में तनुजा जब एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए गई, वहाँ उन्होंने फ्रेंच से लेकर जर्मन और इंग्लिश लैंग्वेज की पढ़ाई की। इन लैंग्वेजेस में महारत हासिल कर लौटी तनुजा ने 15 साल की उम्र में अपनी शानदार एजुकेशन के साथ साथ बॉलीवुड में अपनी करियर की तरफ अपना कदम बढ़ाया। कहा जाता है कि तनुजा ने अपने ज़िंदगी में फिल्म इंडस्ट्री में करियर बनाने के लिए काफ़ी उतार चढ़ाव का सामना किया था। उस वक्त की वन ऑफ द मोस्ट ग्लैमरस एक्ट्रेस तनुजा के बारे में ये भी कहा गया है कि तब जब एक्ट्रेसेस पर्दे में रहा करती थी, तब तनुजा ने बोल्ड सूट और फैशनेबल ड्रेसेस में कहर ढाया था। ब्लैक एंड वाइट फिल्मों का वो दौर। अपनी बड़ी सिस्टर नूतन के बाद खुद तनुजा जब बॉलीवुड में आई, तब उन्होंने जो सपने देखे फिल्मों में अपनी खूबसूरती को संवारने का, वो सपने भी पूरे किए। बाद में जब उनकी शादी हुई तो अपनी बेटियों के लिए भी वही सपने तनुजा ने सजाए। और इसमें कोई शक नहीं कि आज लगभग 3 दशक से जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में राज कर रही हैं काजोल, अपनी मॉम से उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।